वो सब ठीक है भाई, लेकिन जब मैं गिरा ना तो घर के इंसान ने एक ने भी मुझे कॉल नहीं किया, ये नहीं पूछा कि ज़्यादा तो नहीं लग गई, क्या हो गया, क्या बोलूँ भाई। अब जो मुसीबत आती है ना खुद को ही झेलनी पड़ती है, इन मुसीबतों में कोई काम नहीं आता। बाकी मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था, बस पपीता रखा हुआ था, थोड़ा सा वही खाया था। एक तो मैं शूट वे गया था तो दिन भर से भूखा था, और शाम के टाइम ये सब हो गया, और अभी 12 बज रहे हैं लगभग, तो मूंगफली सेकेंगे रखी हुई है तो वही खाएंगे अभी भूंज के, और फिर कल देखते हैं। अभी इतनी रात में जोमेटो वगैरह भी नहीं चलता और रेस्टोरेंट भी बंद हो जाते हैं, और आटा वाटा तो रखा हुआ है बट इतनी ज़्यादा दर्द हो रहा है ना तो मन नहीं कर रहा है कुछ बनाने का। भाई मैं बस स्टैंड से जैसे ही आ रहा था तो तीन लड़के स्कूटी से मेरे आगे आगे चल रहे थे, तो एक पीछे वाले लड़के ने जैसे ही मेरा गुटखा थूका तो मैंने उसको वो मुंह पे नहीं आ जाए उस चक्कर में बचाने के लिए भाई ब्रेक लगाया, तो जैसे ही ब्रेक लगाया मेरी बाइक स्लिप हुई। जैसे ही बाइक स्लिप हुई ना बाइक कम से कम 10 से 15 मीटर तक खिसक की गई, और मैं भी लुढ़कता गया भाई। भाई मैं क्या बताऊँ, इतना बड़ा हादसा हो सकता था, पीछे अगर कोई भी कार या बाइक होती तो मेरे सीधे ऊपर ही चढ़ जाती। भाई ये रहा कि मैं जैसे ही बाइक के खिसकी तो मैं भी लुढ़कता गया, तब तक पीछे के लोग रुक गए थे। तो आप लोग देख लो भाई कितना इतना गंदा घिसा है ना, बहुत तेज़ दर्द हो रहा है भाई, बहुत तेज़ दर्द, और इस बेल्ट ने बचा लिया मुझे। देखो कितना घिसा है ये बेल्ट, अगर ये बेल्ट नहीं होता ना तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो ये शर्ट वगैरह भी फट चुकी है, पैंट वगैरह भी फटा हुआ था। मैं यार एक बात कहना चाहूँगा कि जब लोगों को दिक्कत आती थी, लोगों का एक्सीडेंट होता था, लोगों को कुछ होता था, तो मैं भाई हॉस्पिटल जाता था उनके यहाँ, रोज उनको देखने जाता था भाई। यहाँ तक कि मैं लोगों के पास रहा हूँ, दो दो तीन तीन तक हॉस्पिटल में बैठा हूँ उनके बाजू में। लेकिन भाई आज मैं आज गिरा ना, आज असलियत सामने आ गई सबकी। एक इंसान ने एक कॉल करके ये नहीं पूछा कि भाई ये कैसे हुआ, पूछने की तो छोड़ो भाई, कोई ने ये नहीं बोला भाई कि चलो भाई हम आ रहे हैं भाई, खाने वाने की ज़रूरत तो नहीं है भाई, भूखे तो नहीं हूँ, अकेले तो नहीं हूँ, दर्द तो नहीं हो रहा भाई, ये सब चीज़ें रहती हैं भाई। जब मैं वह दवाई करवा के आया भाई वहाँ पे, तो मुझे चक्कर सा आ रहा तो मैं यहाँ पे आके सो गया। तो सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया था और मुझे भूख भी लगी थी, तो कुछ नहीं, अब भाई मूंगफली रखी हुई है वही खाएंगे और क्या भाई। लेकिन वक्त है, लोगों के लिए इतना किया, आज मुझे इस वक्त में भाई खुद ही संभलना पड़ रहा है, तो क्या बोलूँ भाई, अब इंसानों के अंदर क्या चलता है क्या नहीं। लेकिन बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा है भाई, ये अंदर तक मसल्स डैमेज हो गई हैं, पैर ये है ना जब चलते हैं ना तो बहुत तेज दर्द दे रहा है नीचे रखने में। जैसे ही जैसे टाइम गुजरता जा रहा है वैसे ही वैसे दर्द दे रहा है, जितना टाइम होता जा रहा है वैसे ही वैसे ज़्यादा दर्द हो रहा है। जब लगी थी ना तो बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा था कि यहाँ इतनी ज़्यादा लगी है, और जैसे जैसे टाइम हो रहा है ना अंदर हड्डी में इतना ज़्यादा पैर भी सीधा कर रहे हैं ना, तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, नीचे तक इसका इफेक्ट गया है, मतलब के फ्रैक्चर वैक्चर ना हो जाए हड्डी में। बाकी ये मेरी यार फेवरेट शर्ट थी, ये भी फट गई, कोई नहीं वो तो नया खरीद लेंगे, लेकिन ये बॉडी कैसे नहीं आएगी। गाड़ी थोड़ी बहुत टूटी थी वो तो बन जाएगी भाई, किस्मत ये रही ना कि फेस पे कोई स्क्रैच नहीं आया, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती वीडियो वगैरह बनाने में। बाकी भाई एक ही मेरे एक दोस्त ने हेल्प की थी, तुरंत मैंने उसको कॉल लगाया था भाई, वो 5 मिनट तो क्या भाई, उसको 1 मिनट भी नहीं लगा था, वो जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था तुरंत आ गया था, तुरंत ऑन स्पॉट तुरंत आ गया था भाई वो। मैं मेरी बाइक एक अंकल ने खड़ी की बाजू में, वही अंकल थे,
उन्होंने मेरी बाइक खड़ी की, मैं बगल में बैठ गया था, बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, पता नहीं एकदम से पसीना सा आ गया था, चक्कर सा आ गया था। तो वो अंकल अंकल ने भी बहुत मुझे बोला कि चलो मैं तुम्हें दवाई करा रहा हूँ, चलो अगर कोई नहीं है तुम्हारे साथ तो मैं मतलब मैं चलता हूँ। तो तब तक मेरा वो दोस्त आ चुका था कृष्णा, तो वो मुझे ले गया अपनी दीदी के हॉस्पिटल। वहाँ पे भाई ने मुझे मलम मलम लगवाई वहाँ पे दीदी से बोल के। तो भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा यार, जो ऑन स्पॉट काम आता है ना वही सच्चा मित्र होता है, और बाकी सब फालतू की चीज़ें हैं भाई, नाते रिश्ते कोई काम नहीं आते, मुसीबत में जो काम ना आए ना वो भाई कहीं काम नहीं आ सकता। बाकी भाई मैं सबकी हेल्प किया, और भाई क्या बोलूँ यार भाई, आप लोग सब जानते हैं।